जंगलों में लगातार हो रही तस्करी की घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। वन अमले की गश्त के बावजूद दिन हो या रात आरोपी बेधड़क घटनाओं को अंजाम देने में लगे हैं, जिससे छिंदवाड़ा के जंगली जानवरों पर संकट खड़ा हो गया है। छिंदवाड़ा के जंगलों में लगातार हो रही जानवरों की तस्करी की सूचना मिलने पर वन अमला कई दिनों से रात दिन गश्त कर रहा है। गश्ती टीम को बीती रात जंगल में गश्त के दौरान जानवरों की आवाज और फायरिंग सुनाई पड़ी, जिससे वन विभाग की टीम ने सोना पीपरी के जंगल को चारों तरफ से घेर लिया, जिसमें एक आरोपी को मौके से हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसके कुछ साथी मौके से फरार हो गए। जिसकी जानकारी देते हुए परासिया वन विभाग की रेंजर अलका बूरिया ने बताया कि आरोपी के घर की तलाशी लेने पर धारदार हथियार सहित कई कैप्सूल बरामद किए गए हैं, जिससे पता चलता है कि ये लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। रात्रि गश्ती परासिया रेंज के स्टाफ के द्वारा की जा रही थी, तो रात्रि गश्ती के दौरान गुरुवार की दरमियानी रात स्टाफ को एक दो संदिग्ध व्यक्ति जंगल में दिखे, सोना पीपरी के हमारे 725 कंपार्टमेंट में, उनके द्वारा कुछ लाइट दी जा रही थी जंगल की तरफ। तो हमारे वन रक्षक के द्वारा सर्चिंग की गई, सर्चिंग करने को पाया गया कि एक आरोपी को लाइट दे रहा है, दूसरा आरोपी अंदर फायरिंग कर रहा है। फायरिंग करते वक्त एक स्टाफ को एक हिरण के भागने का प्रमाण मिला, तो हिरण भाग रहा था, ये लोग भी पीछे गए उनका तलाशी लेने के लिए, और एक आरोपी जो राजू सोनी है उसको इन लोगों ने पकड़ लिया स्टाफ ने, जो कि दूसरा मुख्य आरोपी है जिसने फायरिंग की थी वो जंगल की ओर भाग गया। और दोबारा फिर हमने इसे पूछताछ की, कड़ी पूछताछ करने के दौरान फिर पता चला कि जो दूसरा आरोपी, जो मेन आरोपी जो जिनके द्वारा फायरिंग की गई थी, जो भाग गया है, उसका नाम इन्होंने गोलू साहू बताया गया। तो अगले दिन हमने गुरुवार शुक्रवार को हमने सर्च जारी करवाया, हमारे एसडीओ साहब द्वारा सर्च जारी हुआ है, और सर्च के माध्यम से हम जो गोलू साहू है उसके घर में जाके हमने तलाशी ली। तलाशी के दौरान हमें ये सब कारतूस और ये सब जो 12 बोर की बंदूक और सब हमको सब चीज़ें बरामद हुई। इससे प्रतीत होता है कि ये बहुत आदतन अपराधी हैं और निरंतर वाइल्ड लाइफ के शिकार और अन्य क्राइम में भी ये लिप्त है। और चूँकि इसके पास इतने अवैध रूप से हथियार प्राप्त हुए हैं, और इससे सिद्ध होता है कि ये बहुत बड़े लेवल पे इस कार्यवाही को अंजाम देता आया है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार के प्रथम सिंगरौली आगमन पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। निवेदक राजेन सिंह परमार, भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सिंगरौली। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।